इस वीडियो में ना आपके लेजेंड लीग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर होने वाली है। जो आपने नहीं भी पूछा वो आपको वो भी पता लग जाएगा, थोड़ी बहुत नर्डी चीज़ें ही पता लगेंगी। तो पहले तो बताया तो मैं आपको कि क्या क्या कवर कर रहा हूँ मैं, मतलब सब कुछ ही कवर कर रहा हूँ, मतलब क्या क्या होएगा, कि साइन अप कैसे करते हैं, हम डिमोट कब होते हैं लेजेंड लीग में, अटैकिंग सिस्टम क्या होता है, कितनी ट्रॉफीज़ मिलती हैं, गेन लॉस का क्या सिस्टम है, रिसोर्सेज कैसे मैनेज होते हैं, मतलब कि हम रिसोर्सेज लूज़ करते भी हैं या नहीं करते, डिफेंस का क्या सिस्टम होता है, बैटल लॉग का क्या सिस्टम होता है, हम लेजेंड लीग में स्टे कैसे कर सकते हैं, उसके बाद डिफेंस अपग्रेड कर रहे हो तो वो अटैक कर सकते हैं अपोनेंट क्या कर सकते हैं, क्लैन कैसल में क्या सिस्टम होता है, शील्ड का बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम होता है जो नॉर्मल अटैक होते हैं उनसे, तो ऑब्वियसली आपको ये सब चीज़ समझनी पड़ेगी, जैसे कि वॉर में होता है एग्जैक्टली वैसे तो नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट उससे, लेकिन लोअर लीग से तो बिल्कुल डिफरेंट। उसके बाद शील्ड कैसे काम करती है, आप पे कौन अटैक कर सकता है, क्या आप शील्ड खरीद सकते हो, ट्रॉफी रीसेटिंग का क्या सिस्टम होता है, और फाइनली लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लेजेंड लीग ट्रॉफीज़ क्या होती हैं। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, लेट्स गो। तो भाई देखो आपकी 5,000 ट्रॉफीज़ होगी, ठीक है, अब आप लेजेंड में आ गए। उसके बाद जब आपको लेजेंड लीग में अटैक करना है तो आपको लेजेंड लीग टूर्नामेंट ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें होता है ऐसा है कि लेजेंड लीग में सिस्टम की आप अटैक नहीं कर सकते जब तक आप लेजेंड लीग ज्वाइन नहीं करोगे। आप रिवेंज कर सकते हो लेकिन आपको भी पता है कि रिवेंज पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर किसी के पास गार्ड होता है, शील्ड होता है, या फिर बंदे ऑनलाइन बैठे होते हैं, तो अटैक वैसे रिवेंज रिवूज करके हो नहीं सकते और आपको अटैक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लेजेंड लीग ज्वाइन करनी पड़ती है, इसमें आपको फिर साइन अप करना पड़ता है लेजेंड लीग के लिए। उसके बाद थोड़ी देर मैच मेकिंग होती है, आधे घंटे 1 घंटे की। एक बार जब आप मैच मेकिंग सिस्टम में आ गए उसके बाद जो लोअर लीग्स के प्लेयर हैं वो आप पे अटैक नहीं कर सकते और आप लोअर लीग्स के प्लेयर पे अटैक नहीं कर सकते, जैसे कि टाइटन 1, 2, 3 ये आप पे अटैक नहीं कर सकते, आप उन पे नहीं कर सकते। और अगर आपकी ट्रॉफीज़ 4,900 से कम है जब लेजेंड लीग डे ख़त्म होता है, एक लेजेंड लीग डे 24 आवर्स का होता है, जब वो ख़त्म होता है अगर तब आपकी ट्रॉफीज़ 4,900 से कम है तो आप डिमोट हो जाओगे वापस टाइटन 1 में। और अगर आपकी ट्रॉफीज 4,900 से कम है लेकिन वो एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेंडिंग कम है, तो आप उसको विद इन 24 आवर्स उसी टाइम पे अगर आप उसको अप ले जाते हो, मतलब कि लेजेंड लीग डे ख़त्म होने से पहले उसको वापस ले जाते हो, आप 4,900 से ऊपर ले जाते हो, तो आप डिमोट नहीं होगे, मतलब आपको बेसिकली बाय द एंड ऑफ डे 4,900 ट्रॉफीज से ऊपर रहना, जो कि क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप टाउन हॉल 14 से नीचे हो तो। अटैक में आपको सिर्फ एक फिक्स्ड अपोनेंट मिलेगा, उसी पे आप अटैक कर सकते हो, आप स्किप नहीं कर सकते, नेक्स्ट नहीं कर सकते। तो आपको अपनी आर्मी वगैरह जो भी है जो लेके जानी है वो एकदम रेडी रखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है फाइंड मैच, अब मैं अटैक करूँगा तो अब मेरा खुद का टाउन हॉल 13 है लेकिन अब 15 आ रहा है तो मेरे को अटैक करना ही करना पड़ेगा, और अब मैं इस पर अटैक करूँगा। तो आप देखिए मैंने इस पे 2 स्टार किया तो मेरे को 16 ट्रॉफीज़ मिली, ठीक है। तो अब सिस्टम ये होता है कि तो अगर आप 1 स्टार करते हो तो आपको 5 to 15 ट्रॉफीज़ मिलेगी, हर 9% डिस्ट्रक्शन पे आपको एक ट्रॉफी एक्स्ट्रा मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका 10% डिस्ट्रक्शन है तो आपको 6 ट्रॉफी मिलेगी, अगर आप सिर्फ टाउन हॉल फोड़ के 1% डिस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको 5 ट्रॉफीज़ मिलेगी, 91% डिस्ट्रक्शन है तो 15 ट्रॉफीज़ मिलेगी, और 2 स्टार पे आपको मतलब टाउन हॉल फोड़ दिया 50% कर दिया 16 ट्रॉफीज़ मिल जाएगी, 53% कर दिया 17 ट्रॉफीज़ मिल जाएगी, ऐसे करते करते 99% कर दिया लेकिन 2 स्टार्स हैं तो 32 ट्रॉफीज़ मिलेगी। वैसे ही ऑब्वियसली अब 3 स्टार्स एंड 100% है तो आपको वो चीज़ करने पे 40 ट्रॉफीज़ मिलेगी, मतलब आपको 1 स्टार पे 9% पे एक ट्रॉफी फालतू मिल रही है, 2 स्टार्स पे हर 3% पे एक ट्रॉफी फालतू मिल रही है, और 3 स्टार्स पे तो 40 ट्रॉफीज़ पूरी की पूरी मिल ही रही है। और लेट्स से आपका टाउन हॉल 11 है 12 है लेकिन आप फिर भी मुंह उठा के लेजेंड लीग में आ गए तो आपसे एक भी स्टार नहीं हो पा रहा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है भाई, आपको ट्रॉफीज़ फिर भी मिलेंगी। अगर आपका डैमेज 10% है तो आपको एक ट्रॉफी मिलेगी, 20% है तो 2 ट्रॉफीज़, 30% है तो 3 ट्रॉफीज़, 40% है तो 4 ट्रॉफीज़, 50% है तो 5 ट्रॉफीज़ विद 1 स्टार ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपका डैमेज 10% से भी कम है तो 0 ट्रॉफीज़। तो अब आपको ये ट्रॉफीज़ किस हिसाब से मिलेगी वो तो आपको एक्यूरेटली समझ आ चुका होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मेरे अटैक से, जैसे कि मेरा यहाँ पे
51% डैमेज था तो मेरे को 16 ट्रॉफीज मिली, अगर मेरा डैमेज 53% होता तो मेरे को 17 ट्रॉफीज मिलती। इज़ दैट क्लियर? उससे पहले मैं कप मतलब ट्रॉफी गेन और लॉस की बात करना चाहूँगा, जो कि जैसे लोअर लीग्स में होता है एग्जैक्टली उसी मैनर में काम करती है। जितनी भी ट्रॉफीज अटैकर जीतता है, चाहे 40 है, चाहे 36 है, चाहे जितनी भी ट्रॉफीज हैं, ठीक है, उतनी डिफेंडर जो विलेज को डिफेंड कर रहा है बंदा, जैसे कि मेरे पे कोई अटैक करता है, तो अगर वो 40 ट्रॉफीज़ गेन कर रहा है तो मैं 40 लूज़ कर रहा हूँ, अगर वो 4 गेन कर रहा है तो मैं 4 लूज़ कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है कि अटैकर अगर कोई स्टार नहीं लेता, कुछ भी नहीं करता वो, तो डिफेंडर को कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी, कोई ना मिलेगी ना वो जीतेगा। तो मतलब कि डिफेंस करने का पर्पज़ बस ये है कि कम से कम ट्रॉफीज़ आपा लूज़ करें, कम से कम ट्रॉफीज़ लूज़ करें। अब गेन नहीं कर सकते, गेन सिर्फ अटैक करके कर सकते हैं, इसमें सिर्फ हम लूज़ करेंगे, और अपना पॉइंट डिफेंस का सिर्फ ये है कि हम कम से कम लूज़ करें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो हमारी लूट है उसका क्या होगा, जैसे कि कोई नॉर्मल जब लोअर लीग्स में अटैक होता है तो अपनी लूट जो होती है वो अपनी स्टोरेज में और टाउन हॉल में होती है और वो चली जाती है अटैक के बाद। लेकिन लेजेंड लीग में ऐसा नहीं होता, लेजेंड लीग में आपकी फिक्स्ड लूट क्लैश ऑफ क्लैंस खुद की तरफ से शो करेगा अपोनेंट्स को, और वो लूट स्टोरेज में और टाउन हॉल में शो होगी, एग्जैक्टली जैसे वॉर में होता है। वॉर में कोई अटैक करता है आप पे तो आपके रिसोर्सेज कम नहीं होते ना, एग्जैक्टली वही सिस्टम है। अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है तो आपके रिसोर्सेज कम नहीं होंगे, उसको मिलेंगे जो कि गेम खुद जनरेट करेगी। जो जितना वीक बेस होएगा उतनी कम लूट ऑफर करेगा वो। मैं आपको एक चार्ट दिखा दूंगा कि कौन सा टाउन हॉल लेजेंड लीग में कितनी लूट शो करता है। अब बात कर लेते हैं डिफेंस की। तो जैसे कि आप दिन में 8 अटैक कर सकते हो, वैसे ही आप पे दिन में 8 अटैक होंगे ही होएंगे। आप कुछ भी करो, आप खुद अटैक करो ना करो, लेकिन आप पे 8 अटैक होंगे डेली के, जिसका मतलब है अगर आप एक अटैक में 40 ट्रॉफीज़ लूज़ करते हो तो आप दिन में 320 ट्रॉफीज़ डेली की लूज़ कर सकते हो। तो अगर आप 2 दिन गेम नहीं खेलोगे तो आप बहुत ज़्यादा डिमोट हो जाओगे। इसलिए अगर लेजेंड लीग में रहना है तो आपको साथ के साथ डेली के अटैक भी करने पड़ेंगे और डिफेंस अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अनलेस आपका टाउन हॉल 15 है, 15 मैक्स है, या फिर 14 मैक्स है, आप पे 3 स्टार होंगे ही होंगे। मेरे पे अब तक जितने भी लेजेंड लीग में अटैक हुए हैं सारे 3 स्टार हैं, सब में 40 ट्रॉफीज़ मैंने लूज़ की हैं, तो उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तभी आप देख सकते हैं मेरा जो मेरी ट्रॉफीज़ हैं वो 5000 से कितनी नीचे आ चुकी हैं, और ये चीज़ चलती रहेगी जब तक आप लेजेंड लीग में हैं। अभी लेजेंड लीग के 9 दिन पड़े हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ा इशू ये है कि जो मैं ट्रॉफीज़ लूज़ कर रहा हूँ मैं उनको रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने टाउन हॉल 15 आ रहे हैं। मैं उन पर 1 स्टार करूँ चाहे 2 भी कर लूँ, लेकिन 3 नहीं हो सकते। टाउन हॉल 13 से 15 मैक्स पे 3 स्टार्स कैसे भी नहीं हो सकते, तो मैं 40 ट्रॉफीज़ कभी रिकवर नहीं कर सकता। तो मैं ओवरऑल दिन में लॉस में ही चलूँगा। ये चीज़ तो आपको अब तक क्लियर हो चुकी होगी कि जो बंदा 13 या फिर 14 लेके चल रहा है टाउन हॉल, वो लॉस में रहेगा लेजेंड में। वो सिर्फ टच कर सकता है लेजेंड को, वो लेजेंड में रह नहीं सकता। अगर लेजेंड लीग में रहना है तो 15 मैक्स करना ही पड़ेगा, ये चीज़ तो मैंने अब तक रियलाइज़ कर ली, वरना मेरे को ऐसे मतलब कि 5000 से नीचे ही रहना पड़ेगा। तो अगर आपका 15 मैक्स है तो लेजेंड जाओ भाई। पहली बार मोटी तो मोटी डिफेंस कैसे काम करता है वो उसकी बात कर लेते हैं कि जैसे क्लैन वॉर्स में आप एक बेस चूज़ कर सकते हो, जो आपका एक्टिव बेस होएगा टाउन हॉल का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप बेस सेलेक्ट करोगे उससे फ़र्क पड़ता है। वो अगले दिन से इफेक्टिव होएगा। अगर आपने आज सेलेक्ट किया है तो अपोनेंट को वो वाला बेस कल शो होएगा, नेक्स्ट जो लीग डे होएगा उसमें शो होएगा। और क्लैन कैसल ट्रूप की बात करें तो आपको ये पहले क्लैन कैसल ट्रूप्स डालने पड़ेंगे अपने क्लैन कैसल में, उसके बाद वो परमानेंटली उधर शो हो जाएंगे। परमानेंटली जब भी कोई आप अटैक करेगा तो वो उधर ही फिक्स्ड रहेंगे। जैसे कि आप ये देखो, मेरा फ्रेंड लेजेंड लीग में चला तो गया, लेकिन ये वहाँ पे रह नहीं सकता, क्योंकि इस पर कोई भी अटैक करेगा तो वो इजीली 3 स्टार ले जाएगा, 40 ट्रॉफीज़ माइनस होंगी। बेचारा क्या रिकवर करेगा, सामने टाउन हॉल 13, 14, 15 आएंगे, ये बंदा क्या कर लेगा भाई, कुछ भी नहीं कर सकता। डिफेंस की थोड़ी सी और बात करें तो आपके ट्रैप्स, हीरोज़ या फिर कोई भी डिफेंस अगर अपग्रेड हो रहा है तो वो एक्टिव रहेगा, जैसे कि वॉर में होता है एग्जैक्टली वैसे। अगर हम शील्ड की बात करें तो शील्ड फंक्शन नहीं करती सेम वे में जैसे लोअर लीग्स में करती है। शील्ड वाला सेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, आपके पास शील्ड नहीं मिलेगी। अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो आपको शील्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, और आप पे प्लेयर्स अटैक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं तो भी आप पे अटैक हो सकता है। लोअर लीग्स में आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है अटैक के लिए, लेकिन यहाँ पे आप पे अटैक हो सकता है अगर आप एक्टिव हैं तो भी। लेकिन अगर आप चाहो तो आप जेम्स यूज़ करके शील्ड ले सकते हो, लेकिन उसका नुकसान ये है कि अगर आपने मान लो 2 हफ्ते की शील्ड भी ले ली तो आपका जो शील्ड का इफेक्टिव स्पैन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा जैसे ही आप अटैक करोगे।
तो अगर आपने शील्ड ले ली तो आप पे कोई अटैक नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी और पे अटैक भी नहीं कर सकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बेसिकली। और जो भी आप शील्ड ले रहे हो, ये जिस दिन आपने लिया है उससे अगले दिन इफेक्टिव होएगी, और अगर आप लेके उसको रिमूव भी कर देते हो शील्ड को, तो जो उसका इफेक्ट है वो भी अगले दिन ही होएगा, जो आपने रिमूव किया है उसके अगले दिन से इफेक्टिव होएगा वो। अब लास्ट में फाइनली बात करते हैं ट्रॉफी रीसेटिंग की, और जब मतलब जब लेजेंड लीग टूर्नामेंट एंड होता है तो उसके बाद सबकी फाइनल स्टैंडिंग रिकॉर्ड होती है, और सबकी जो ट्रॉफीज़ होती हैं वो वापस 5,000 पर रीसेट हो जाती है, चाहे बंदों की 6,400 ट्रॉफीज़ हैं वो भी वापस 5,000 पे आ जाएगी, और बंदों को फ्रेश मौका मिलेगा स्टार्ट करने का, और लोगों को मौका मिलेगा नंबर 1 पे फिर से जाने का। तो बेसिकली लेजेंड टूर्नामेंट जो होता है ये 1 महीने का होता है, जैसे सीज़न एंड होता है वैसे ही अबाउट उसी टाइम पे लेजेंड लीग टूर्नामेंट की टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन ये तब एंड हो जाता है 1 महीने बाद, उसके बाद सबकी ट्रॉफीज रीसेट हो जाती हैं। लेकिन जो आपकी पुश करने में मेहनत लगी है वो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि मान लो आपकी 5,300 ट्रॉफीज़ हैं और रीसेट होता है, तो आप सोचोगे कि वो मेरी जो 300 ट्रॉफीज़ थी वो तो मेरी पुश की वेस्ट होगी, नहीं वो वेस्ट नहीं हुई, वो लेजेंड ट्रॉफीज़ के रूप में फॉर्म में वो आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाती है, वहाँ पे लिखा आ जाता है लेजेंड ट्रॉफीज़ इतनी, तो वो चीज़ एक्यूमुलेट होती रहती है और वो कभी चीज़ रीसेट नहीं होती या फिर नीचे नहीं जाती, वो चीज़ कभी चेंज नहीं होती, वो चीज़ आपकी प्रोफाइल में परमानेंटली फिक्स्ड है। तो वो एक टाइप से अचीवमेंट होता है कि किसके पास कितनी लेजेंड ट्रॉफीज़ हैं, मतलब वो 5,000 ट्रॉफीज़ से इतना ऊपर गया, वो हर सीज़न इंक्रीज़ होती रहती है, जितनी भी आप सीज़न में मतलब जितनी भी ट्रॉफीज़ गेन करोगे एक्स्ट्रा 5,000 से ऊपर वो उसमें ऐड होती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी। जैसे कि सीज़न 1 में आपकी 5,100 है तो 100 ऐड होएगी, उसके बाद 200 है तो 300 टोटल हो जाएगी उससे अगले सीज़न। ऐसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये इस सीज़न का 2023 अक्टूबर का नंबर 1 लेजेंड प्लेयर है एपीटी अलहदी, इसके पास 20,486 लेजेंड ट्रॉफीज़ हैं, और लेट्स अज्यूम जैसे कि हम लास्ट सीज़न देख सकते हैं इसके पास 1,088 ट्रॉफीज़ एक्स्ट्रा थी, तो इसको लास्ट सीज़न में 1,088 ट्रॉफीज़ एक्स्ट्रा मतलब इतने कप मिले होंगे, लेजेंड ट्रॉफीज़ मिली होंगी इसकी प्रोफाइल में, इतनी ट्रॉफीज़ ऐड हुई होंगी। लेट्स से कि ये मतलब हर सीज़न में अबाउट 1,000 ट्रॉफीज़ करता है, साल में 12 सीज़न होते हैं तो मतलब साल में 12,000 ट्रॉफीज़ होगी, तो 20,000 के लिए 20 मंथ मतलब अबाउट 1.5 साल, 1.5 साल में या फिर हो सकता है उससे भी कम में इस बंदे ने इतनी ट्रॉफीज़ एक्यूमुलेट करी है, ये इसकी प्रोफाइल में परमानेंटली ऐड हो चुकी हैं। अब ये चाहे ब्रॉन्ज में भी चला जाए ना तो भी इसकी ट्रॉफीज़ इतनी ही शो होएगी, ये चीज़ इसकी प्रोफाइल में है तो ये रहेगी, ये चेंज नहीं होएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।